चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं फार्म लॉज से रिलेटेड। सरकार ने किसानों के लिए कृषि कानून लाई थी, तीन कृषि कानून। बहुत ज़्यादा किसानों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, इसी के चलते चलते सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है। और सरकार का अब कहना है कि हम आने वाले जो विंटर सीजन है जिसमें संसद बैठेगी, उस समय इन कानूनों को हम वापस ले लेंगे। सरकार अब इन कानूनों को वापस ले रही है, ठीक है। कुछ कुछ बातें और भी हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाई हैं, जैसे कि सरकार ने जो किसानों की डेथ हुई उनसे रिलेटेड कोई बातें यहाँ पर नहीं बताई हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, उनके परिवार वालों के लिए क्या कर सकती है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो MSP के लिए किसान लोग कानून चाहते थे कि MSP आप निर्धारित कर दीजिए, जितने में आप खरीद रहे हो उतने में ही किसान कहीं पर भी अपना अनाज बेचे, उसी कीमत पर प्राइवेट प्लेयर भी खरीदें, चाहे वो दुकानदार हो चाहे कोई भी हो। तो इस बात पर भी अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है कि सरकार ने वैसा करी है या नहीं करी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान से। राजस्थान के तीन जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, ठीक है, ये हो सकता है कि ऑफर करें क्वाइट होने का। अब क्वाइट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? क्वाइट का मतलब ये है कि अब अपनी ये राजनीति जो कांग्रेस वाली है उससे वो शांति चाहते हैं, ठीक है। क्या कहा चाहते हैं वो? रेजिग्नेशन। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी जो मिनिस्ट्री है कांग्रेस की वो रिशफल हो सकती है। एज वेल एज द पार्टी पोस्ट ऑन फ्राइडे ऑफर्ड देयर रेजिग्नेशन टू कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। यहाँ से हमें देखना है कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद में कई सारे मिनिस्टर शामिल होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, और भी मिनिस्टर रहते हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो संविधान में स्टेट कैबिनेट, स्टेट की जो मंत्रिपरिषद है इसके आकार और मंत्री के पद को अलग से वर्णन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री टाइम और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण कर लेता है। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वैसा ही राज्य की मंत्रिपरिषद के भी तीन वर्ग हो जाते हैं। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट होता है, एक राज्य मंत्री होता है और एक होता है उपमंत्री, ठीक है। अब इनमें के अंतर कैसे होता है? तो देखो, उनकी जो पोस्ट है, उनको जो स्पेशल भत्ता मिलता है, राजनीतिक उनका कितना महत्व है, इसके हिसाब से उनमें अंतर होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री की। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विभाग रहते हैं, जैसे गृह विभाग, शिक्षा, वित्त, एग्रीकल्चर, ये सारे इनको सौंप दिए जाते हैं। वे सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठक में भाग लेते हैं, नीति निर्धारण में इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती है। और हम कहते हैं ना कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए, तो सरकार का मतलब मंत्रियों से ही होता है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं स्टेट मिनिस्टर। या तो ये स्वतंत्र प्रभार दे देंगे या फिर उन्हें कैबिनेट के साथ में एसोसिएट कर देते हैं। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं, ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे, जब तक उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में बुला न ले, बुलाएंगे तभी आएंगे वो, ठीक है। इसके बाद आते हैं उपमंत्री। स्वतंत्र प्रभार इनको नहीं दिया जाता है, उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कर्तव्यों में हेल्प के लिए संबद्ध किया जाता है, ठीक है। और कैबिनेट के सदस्य ये भी नहीं होते हैं, कैबिनेट की बैठक में ये भी भाग नहीं लेते। अब इसमें बताया जा रहा है कि कई बार मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल कर लिया जाता है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति नॉर्मली स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इंडिजीनियस चॉपर ड्रोन से रिलेटेड। यहाँ पर चॉपर वर्ड आया है, ठीक है। चॉपर मतलब एक प्रकार का हेलीकॉप्टर होता है।
इंडिजीनियस चॉपर ड्रोन्स हैंडेड ओवर टू आर्म्ड फोर्स। ठीक है, हमारी आर्मी को चॉपर और ड्रोन जो है हैंड ओवर करे गए हैं। इंडिया वर्किंग टू मेक इट्स फोर्सेस सेल्फ रिलायंट, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है। तो बताया जा रहा है एडमिशन ऑफ गर्ल्स हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस सेशन इन 33 सैनिक स्कूल, और रानी लक्ष्मीबाई लाइक डॉटर्स विल इमर्ज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन देयर शोल्डर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है, कहाँ फ्राइडे 8 राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व इन झांसी में, ऐसा उनका कहना था कि जो है लड़कियां भी अब जो है आर्मी में एडमिशन लेने लगी हैं। ठीक है, इसी समय में उन्होंने क्या काम करा है, उन्होंने हैंड ओवर किया है आर्मी को इंडिजीनियसली निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, किसको, एयरफोर्स को। इसके अलावा दो स्मॉल ड्रोन्स जो कि निर्माण किया गया है इंडियन स्टार्टअप के माध्यम से, इसको भी आर्मी को उन्होंने सौंप दिया। एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स टू नेवी। अब इस प्रकार से जब हमारा देश अपने यहीं पर सारी चीज़ें निर्माण करने लगा है, तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सेल्फ रिलायंस की यहाँ पर बात करी जा रही है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इंडिया हैज़ बीन काउंटेड अमंग द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है, अपनी बड़ाई यहाँ पर बताई जा रही भारत की, कि पहले हमारा देश सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टर हुआ करता था। बट टुडे द मंत्रा ऑफ कंट्री इज़ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। टुडे इंडिया इज़ वर्किंग टू मेक इट्स फोर्सेस सेल्फ रिलायंट, मिस्टर मोदी का ऐसा कहना। तो अब क्या काम होने लगा है, बाहर की कंपनियां आ रही हैं और हमारे देश में ही वो बनाने लग गई। ठीक है, यही अपना मेक इन इंडिया है और मेक फॉर द वर्ल्ड है। और जब वो यहाँ आती हैं अपने निर्माण करते रहती हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी हमारी देश की कंपनियाँ सीखती हैं, और इससे फिर हम भी जो है बनाना चालू कर देते हैं। बताया जा रहा है, टुडे हियर फ्रॉम झांसी ए न्यू चैप्टर इन इंडियाज डिफेंस सेक्टर इज बीइंग रिटन। इंडियाज बॉर्डर विल नाउ बी इवन मोर सिक्योर, ऐसा उनका कहना है कि अब हमारी जो बॉर्डर है और भी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ही सेड आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए 400 करोड़ प्रोजेक्ट बाई भारत डायनामिक लिमिटेड फॉर द मैनुफैक्चरर ऑफ प्रपल्सन सिस्टम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्योंकि यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल की मैनुफैक्चरिंग चालू होने वाली। देखो, LCS जो मोदी ने सौंपा है आर्मी को, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ट्विन इंजन LCH। ठीक है, ये इसको डिजाइन और डेवलपमेंट किया गया है HAL के द्वारा। ठीक है, इसे 5 से 8 टन का क्लास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, युद्ध में जो लड़ाई में जो शामिल होते हैं उस टाइप का ये हेलीकॉप्टर है। इट इज़ ओनली द अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एल्टीट्यूड ऑफ 5,000 मीटर। ये एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि 5,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। विथ कंसिडरेबल वीपन्स एंड फ्यूल लोड सिग्निफिकेंटली ऑग्यूमेंटिंग द फायर पावर ऑफ द IAF एंड आर्मी हाई एल्टीट्यूड। द LCH विल इवेंचुअली बी डिप्लॉयड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको हम कहाँ भेजने वाले हैं, LAC में भेजने वाले हैं, इन एडिशन टू द AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर इन सर्विस। तो दोनों मिलकर के ये काम करेंगे अपाचे के साथ में। प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैंडेड ओवर DRDO डिजाइंड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL मैनुफैक्चर्ड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट टू द नेवी। इसके अलावा यहाँ पर जो गए थे झांसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने और कई सारे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया, जैसे कि बताया जा रहा है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, रतौली वेयर प्रोजेक्ट, द भावनी डैम प्रोजेक्ट एंड मजगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट। एट एक क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ 3,250 करोड़ यहाँ पर इनकी कीमत बताई जा रही है। देयर ऑपलाइनाइजेशन विल हेल्प द इरिगेशन ऑफ अराउंड 65,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर।
बेनिफिटिंग लाख ऑफ फार्मर ऑफ द रीजन, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है। 2017 में क्या हुआ था, यूपी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी क्लीन स्वेप्ट द बुंदेलखंड रीजन, विनिंग इन ऑल 19 सीट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अमेजन के फॉरेस्ट से रिलेटेड। अमेजन डिफॉरेस्टेशन सर्जेस टू वर्स्ट इन 15 ईयर्स। बताया जा रहा है अमेजन के जो घने घने जंगल है ना, वो डिफॉरेस्टेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। वृक्षों की कटाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुई है, यदि पिछले 15 साल का आप यदि आंकड़ा देख लोगे तो। द एरिया डिफॉरेस्टेटेड इन ब्राजील्स अमेजन रीज्ड ए 15 ईयर हाई आफ्टर 22% जंप फ्रॉम द प्रायर ईयर। आज से 15 साल का आंकड़ा देखोगे और 15 साल पहले का, तो वहाँ से 15% ज़्यादा वृक्षों की कटाई हमको, 15% नहीं 22% ज़्यादा कटाई देखने को मिली है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा पब्लिश ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन ऑफिशियल डाटा पब्लिश हुआ था, उसमें ऐसी बात कही गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च प्रोडेस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें ये बात सामने आई है, ब्राजीलियन अमेजन लॉस्ट 13,235 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रेन फॉरेस्ट इन 12 मंथ, रेफरेंस पीरियड फ्रॉम अगस्त 2020 से लेकर के जुलाई 2021। मात्र एक साल में, मात्र 12 महीने में ही 13,235 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो क्लीन चिट हो गया, साफ हो गया। दैट इज द मोस्ट सिंस 2006। द 15 ईयर हाई फाइल इन द फेस ऑफ द बोल्सोनारो गवर्नमेंट्स रिसेंट अटेम्प्ट टू शोर अप इट्स इन्वायरमेंटल क्रेडिबिलिटी हैविंग मेड ओवरचूर। तो इसमें बात बताई जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ब्राज़ील हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लासगो समिट हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि जो इलीगल डिफॉरेस्टेशन है ना, इसको रोकना है। द स्पेस एजेंसीज रिपोर्ट कहती है, जो कि रिलीज़ की गई थर्सडे के दिन, इस डेटेड 27 अक्टूबर बिफोर टास्क इन द ग्लासगो बिगेन। द ब्राजीलियन अमेजन हैडन्ट रिकॉर्डेड ए सिंगल ईयर विथ मोर देन 1,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डिफोरेस्टेशन इन मोर देन ए डिकेड बिफोर जैर बोल्सोनारोस टर्म स्टार्टेड इन जनवरी 2019। जब से ये आए हैं तब से भी देखा जाए ना, तो ऐसा सिंगल साल भी नहीं गुजरा है जिसमें 10,000 वर्ग किलोमीटर की कटाई ना हुई हो। बिटवीन 2009 से लेकर 2018 द एवरेज वृक्षों की जो कटाई थी वो थी 6,500 वर्ग किलोमीटर की। सिंस देन द एनुअल एवरेज लीप टू 11,405 वर्ग किलोमीटर। और अब यदि देखोगे 2018 के बाद से, जब से बोल्सोनारो बने हैं, सत्ता में आए हैं, 11,000 का एवरेज है, इतने एरिया की सफाई हो रही हर साल। इट इज़ अ क्राइम, मैग्रियो एस्ट्रिनी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी इन नेटवर्क ऑफ एनवायरमेंटल नॉन प्रॉफिट ग्रुप टोल्ड द एसोसिएटेड प्रेस। ऐसा इनका कहना है कि ये जो काम है ना, एक प्रकार से क्राइम है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में हम कुछ कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील वाला जो एरिया है, यहाँ जो आप देख रहे हैं अमेजन बायोम को और अमेजन बेसिन को, ये जो ब्लू जो रेखा है ये अमेजन बेसिन को बताती है, और ये येलो वाली जो लाइन है देख रहे हैं आप, ये बायोम को शो करती है। तो बताया जा रहा है दीज आर लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइंग द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर के बहाव वाला जो एरिया है यहाँ पर ये फैले हुए हैं। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज इन द नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, और कवरिंग एन एरिया ऑफ, इतना बड़ा एरिया ये लोग कवर करके रखते हैं ये रेन फॉरेस्ट। टोटल यदि आप देखोगे ना तो 60 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया में ये रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर क्लोज्ड कैनोपी वर्ड आया है। ए क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट इज ए डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन विच द टॉप ब्रांचेस एंड लीव्स फॉर्म ए सीलिंग या फिर कैनोपी दैट लाइट कैन बियरली पेनिट्रेट टू रीच द फॉरेस्ट डोर। इतने ज़्यादा ये घने रहते हैं कि
सूरज की जो रोशनी है ना, वो इनकी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। और बताया जा रहा, ग्रोइंग विद 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इनकी लोकेशन को हमको ध्यान में रखना है। दे आर वेरी वेट प्लेसेस, रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर। काफ़ी वेट रहता है ये वाला एरिया, 200 मीटर की रेनफॉल पर ईयर होती है। आइदर सीजनली और थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर आर यूनिफॉर्मली हाई बिटवीन 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और मैनी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड। बताया जा रहा है, कंप्राइजिंग अबाउट 40% ऑफ ब्राजील्स टोटल एरिया। टोटल एरिया के कितने एरिया में फैले हैं? 40% में। इट इज़ बाउंडेड बाई द गुयाना हाईलैंड टू नॉर्थ। गुयाना हाईलैंड किधर पड़ता है इनके? नॉर्थ में। एंडीज किधर पड़ जाएगा? वेस्ट में। द ब्राजीलियन सेंटर प्लेटू टू द साउथ में, एंड अटलांटिक ओशियन पड़ जाएगा ईस्ट में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को बताती है। इंडिया ने फंड दिया था श्रीलंका को जाफना कल्चरल सेंटर बनाने के लिए। तो ये जो कल्चरल सेंटर है, ये एक बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लोग बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के कल्चरल को बढ़ावा देने के हिसाब से भी इसका निर्माण किया गया था। तो वही यहाँ पर बात बताई जा रही है कि इसके उद्घाटन के लिए अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक तो बात ये है कि ये जो सेंटर है ना, इसे केंद्र सरकार हथिया ना ले, एक डर ये लगा है। क्योंकि यहाँ की जो नगर पालिका है वो चाहती है कि ये जो सेंटर है ये हमारे पास रहे, लोगों की संपत्ति के रूप में रहे। लेकिन बात फिर आ जाती है इसको चलाने के खर्चे के लिए। तो नगर पालिका के जो मेयर हैं, इन्होंने कहा है कि हमने जो है इसके लिए बजट आवंटन की भी बात करी थी, तो ये जो है हमें ही सौंपा जाए, ऐसा यहाँ के मेयर का कहना है। द स्ट्रक्चर विद 11 फ्लोर्स एंड फैसिलिटीज, जिसमें इंक्लूडिंग है ऑडिटोरियम है, दैट कैन सीट 600 पर्सन। एक ऑडिटोरियम है, 11 इसमें फ्लोर हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, एंड एम्फी थिएटर एंड डिजिटल लाइब्रेरी भी यहाँ पर है, ठीक है। एम्फी थिएटर आया है यहाँ पर, इसका हम देख लेते हैं अर्थ। एम्फी थिएटर जो होता है, गोलाकार या फिर अंडाकार रंगमंडल रहता है जिसमें दीर्घाएं बनी रहती। प्राचीन ग्रीस और रोम में ऐसे रंगमंडल होते थे। इस सर्कुलर बिल्डिंग विथाउट ए रूफ एंड विथ रोज ऑफ सीट दैट राइज इन स्टेप अराउंड द ओपन स्पेस। एम्फी थिएटर वर यूज इन एंशियंट ग्रीस एंड रोम। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें छत नहीं रहती है, ओपन एरिया रहता है। जैसे स्टेडियम ही आप समझ सकते हैं, स्टेडियम की तरह रहती हैं ये सारी जो पिक्चर हैं एम्फी थिएटर की ही हैं। इस प्रकार से भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। और क्या क्या बातें लिखी गई हैं? डिजिटल लाइब्रेरी भी हमको देखने को मिलेगी यहाँ पर। वाज कंप्लीटेड इन अर्ली 2020, ये सारी चीज़ें बनकर के तैयार हो गई। इंडिया ने इसको ग्रांट दी थी कितनी? 11 मिलियन डॉलर की। द सेंटर वाज इन्वेस्टिड एज ए पब्लिक स्पेस टू प्रमोट, प्रिजर्व एंड फोस्टर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ जाफना एंड सर्व एज ए हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। तो कल्चर को यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा जाफना की। एक न्यूज़ आई है हमास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का मानना है कि हमास को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नामित किया जाए। शोइंग सपोर्ट फॉर हमास इन ब्रिटेन कुड बी पनिश्ड विद 14 ईयर्स इन प्रिजन इफ द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन बैनिंग द ग्रुप एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, द होम ऑफिस सेड ऐसा फ्राइडे के दिन। तो कुल मिलाकर के सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है आतंकवाद से लड़ाई के खिलाफ। हमास को ब्रिटेन में क्या कर दिया जाएगा? पनिश किया जाएगा 14 साल का, 14 साल की जेल रहेगी यदि जो गवर्नमेंट है ना सक्सीड हो जाती है बैनिंग द ग्रुप एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। सेक्रेटरी प्रीति पटेल विल पुश
फॉर द चेंजेस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक सीकिंग टू ब्रिंग ब्रिटेन इन टू लाइन विद यूनाइटेड स्टेट विच डेसिग्नेटेड हमास एज ए टेरर ग्रुप इन 1995 एंड द यूरोपियन यूनियन। तो पटेल का क्या कह रहा है, एन आउटराइट बैन अंडर द टेररिज्म एक्ट 2000 वॉज नेसेसरी बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हमास पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विंग। द अल कासिम ब्रिगेड मिलिट्री विंग ऑफ द इस्लामिस्ट मूवमेंट दैट रूल्स द गाजा स्ट्रिप हैज़ बीन बैंड इन ब्रिटेन सिंस मार्च 2001। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि टेररिस्ट से रिलेट करती, यहाँ पर बैन है ऐसे यहाँ पर बताया गया है। एक न्यूज़ आई है सबसे लास्ट वाले पेज में गुरु नानक जयंती से रिलेटेड, इसको गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है। वाज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 19, द फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, ये उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में एंड स्प्रीड द मैसेज ऑफ वन गॉड, इन्होंने एक मैसेज दिया विश्व को कि ईश्वर एक ही है। द सेक्रेड स्क्रिप्चर श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैज़ ऑल ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की जितनी भी शिक्षाएं हैं ना वो किस में हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है। इस साल का जो फेस्टिवल है हैज़ पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंस विद यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू रिपील द फार्मूला, इस इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि गुरु नानक पर्व के अवसर पर ही नरेंद्र मोदी ने किसानों का जो आंदोलन था उसको समाप्त करने की घोषणा करी और किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा करी है। आल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस वॉज द री ओपनिंग ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर, दूसरी बात करतारपुर कॉरिडोर भी री ओपनिंग होने वाला है विद द फेथफुल विजिटिंग द श्राइन आफ्टर ए गैप ऑफ 12 मंथ, कोरोना के चलते चलते बंद हो गया था। बताया जा रहा है कि 240 सिख पिलग्रिम से भी ज़्यादा फ्रॉम इंडिया विजिटेड द रिवर्ड गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान यूजिंग द वीज़ा फ्री करतारपुर कॉरिडोर।